हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आई क्रिकेटी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं RSMSSB भर्ती 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहां पर दिनांक घोषित कर दी गई है और उसका प्रेस नोट भी यहां पर जारी कर दिया गया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। प्रयोगशाला सहायक भर्ती और PTET परीक्षा PTI भर्ती का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन MBC वालों का यहाँ पर उनकी भी यहाँ पर प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। यानी कि अभी दो प्रेस नोट जारी किए गए आज के दिन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी भर्तियों का यहाँ पर जल्दी आपको देखने को मिलेगा और नई भर्तियाँ जो भी अटक चुकी थी पहले, जिनको रद्द कर दिया गया आरक्षण की वजह से, उनकी भी अब आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिलने वाला है ऑनलाइन फॉरम का। तो आपको उनके लिए भी तैयारी रही है, जैसे कि लाइब्रेरियन वगैरह जितनी भी भर्तियाँ थी आप उन सभी के लिए। तो चलते हैं अपन नोटिफिकेशन देख लेते हैं। पहले ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको मैं प्रेस नोट बता देता हूँ। और ऐसे प्रेस नोट लेने के लिए और ऐसी अपडेट लेने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को आप विजिट कर लीजिए एक बार। आप देख के खुद फिर सोचिए कि इसको सब्सक्राइब किया जाए या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लैब असिस्टेंट, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर नोटिस आ चुका है। उसके बाद देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन MBC फॉर द पोस्ट PTI ग्रेड 3rd एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट भी आज जारी किया गया है। वुमेन सुपरवाइज़र यानी कि वुमेन जो एम्प्लॉयमेंट है उनका यहाँ पर आंगनबाड़ी वालों का परिणाम जारी कर दिया गया दोबारा से, ठीक है। तो ये देख सकते हो, मैं ये डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ लेब असिस्टेंट का, इसमें पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यहाँ देख सकते हो ये आज ही प्रेस नोट जारी किया गया है, 25/7/2019 को देख सकते हो, यहाँ पर आज ही जारी किया गया है। तो ये कब आपको यहाँ पर देख सकते हो, बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के लिए राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971। तो यहाँ पर आपको ये पूरी जानकारी मिल रही है। परिणाम जारी किया गया था 22/7/2019 को। उसके बाद यहाँ पर क्या जानकारी, 1.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया और आपको किस पते पर जाना है यहाँ पर देख सकते हो 10 बजे, जो नीचे दिनांक दे रखी है उस दिनांक को जाना है आपको 10 बजे। तो देख सकते हो गुरु नानक भवन संस्थान राजा स्वामी सत्संग व्यास के सामने 20 दुकान के पास आदर्श नगर जयपुर, यहाँ पर आपको आना है। पात्रता जांच है तो आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन 2 प्रतियाँ एवं मूल दस्तावेजों के साथ आवे, तो आपको 2 प्रतियाँ लेकर के आना है मूल दस्तावेजों के साथ। आगे देख सकते हो ग्यारहवीं सत्र, तो दिनांक 5/7/2019 को बुलाया गया है इनको। जो भी विद्यार्थी रोल नंबर देख लें अपने अपने कहाँ पर सर्च हो रहा है इनका, एक बार जाके चेक कर लें। 6/8/2019 को इन विद्यार्थियों को बुलाया, इसके बाद 7/8/2019 को, उसके बाद 8/8/2019 को, 9/8/2019 को, 10/8/2019 को, 13/8/2019 को, ये अलग अलग डेट यहाँ पर दी गई है। 15 तारीख की छुट्टी है क्योंकि 15 तारीख की राखी है और रक्षाबंधन है। उसके अलावा यहाँ पर 15 अगस्त मनाया जाएगा, इसलिए छुट्टी दे दी गई है। उसके बाद यहाँ 16 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। जितने भी विद्यार्थी है उनको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, विस्तृत 2 प्रतियों में अलग अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। विस्तृत आवेदन की 1 प्रति के साथ 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर भी आपको ले जाना है। तो ये आपको ध्यान देना है, जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे हुए हैं वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने कोई और एग्ज़ाम दिया तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान से आपको सुन लेना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।